पति दीक्षा ले लिए हैं, पति सत्संगी हैं, पति सत्संग में जाया करते हैं, पत्नी वृंदावन बिहारी लाल जान तुम सत्संगी बनो न विचार किया। भक्त भगवान की जय। चलिए मंडप मत हिला दल के हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। घर ये लाग बाद मुर्गी की अंडा दावे चौक पर खड़े खड़े। कबीर साहब कहते हैं गैने बजने होते यार गुंडा फटकले मिलता हूं चाओ। ऊपर से तो राम का कीर्तन तो करते हैं लेकिन भीतर से आप मांस खाते हैं। आप भी रावण का चचेरा भाई है। विचार क्या जीवन में चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मांस तो नहीं खाए छोन बाबा, तब दुर्गा माँ के चढ़े छो पठवा तो प्रसाद होली वह खाए छो। दुर्गा माँ के पठवा कटले तो प्रसाद हो गए। हमें थाइमेट चढ़ेबे आ कभी वो प्रसाद दे के खेबो सब न। विचार किया लोगों का फीता इतना उतर गया है अपना बेटा मूड़न बकरी बेटा सीधे संपूर्ण। बलि भी लोग देते हैं नीमू हाँक बाघक बलि देखते भूत बुझ। विचार किया जहां पुण्य तो करते हैं लेकिन पुण्य के बदले में वहां पर तो आप घोर पाप कर रहे हैं। विचार किया खाते तो आप हैं लेकिन नाम लगा देते हैं दुर्गा महारानी। दुर्गा माँ यदि खाती हैं तो मंदिर में पठवा बंद कर दीजिए, एक बोरा मकई दे दीजिए, एक दूध बाल्टी पानी, देखिए कहिया पठवा खाए जे दुर्गा मैट। विचार किया संत महात्मा याद दिलाते हैं कि दुर्गा माँ से श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, तो अपने अंदर की बुराई को चढ़ा दीजिए, पाठा बलि मत दीजिए। संसार में दुख और सुख अपने किए हुए कर्मों का फल है। जिसको आप बलि देते हैं, जिसका आप मांस खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जिसका कर्जा लिए हैं तो छोड़ देंगे। जिसका मांस खाए हैं मांस का बदला आपको मांस ही चुकाना पड़ेगा। विचार किया इसलिए मनुष्य को दयावान होना चाहिए। रामचरितमानस में धर्म को चार चरण हैं, सत दान दया पवित्रता। सिर्फ मंदिर को पवित्र नहीं रखी। मंदिर लोग जाते हैं नहाय लीजिए बढ़िया से, तब ढेका कस्सी के जाए छे मंदिर के बोढ़े छे नीपे छे अगरबत्ती फूल चढ़वे छे वैठाक तंटा धुमनो गई टिका ले ले। मंदिर को तो पवित्र रखते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन जिस मंदिर में आप रहते हैं गान्या का धुइया मारते हैं, केला पकाइएगा भीतर में क्या कीजिएगा धुइया देख। विचार क्या उस मंदिर में जल चढ़ा देते हैं, अपने मंदिर में दारू चढ़ाते हैं। विचार कीजिए कितना सुंदर आपका ये शरीर रूपी मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा का भजन कीजिए। वचन कर्म मन मोड़ी गति भजनु कढ़ी निष्काम तिन्हीं के हृदय कमल महु सदा करु विश्राम। मनुष्य को दयावान होना चाहिए। राजा शिवी से इंद्र ने बाज बन करके कहा कि अभी तेरे द्वार पर जो है हम अपने प्राण को त्याग देंगे, पाप लग जाएगा। शिवी ने कहा एक काम करो, इस कबूतर के बदले में दूसरा यदि मांस ला कर देंगे तो ले लोगे। बाज ने कहा मांस तो लेंगे लेकिन कहीं और जगह का मांस नहीं लेंगे। कहता का आप अपने शरीर का मांस काट करके दे दीजिए तो हम ले लेंगे और वैसे नहीं लेंगे। एक
तराजू मंगाई, एक पलरा पर कबूतर, एक पलरा पर आपका मांस। राजा से भी इतने बड़े दयावान थे, मेरा मांस चला जाए तो चला जाए, लेकिन कबूतर के मांस को बचा। एक तराजू लाए, तराजू को बांध दिया, एक पलरा पर कबूतर, एक पलरा पर अपने शरीर के मांस काट करके चढ़ा दिया। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, थोड़ा वजन बढ़ाते जाइए। छाती तक जब मांस काट कर राजा शिवि भेंटे चढ़ाते हैं, इंद्र सैन के आज्ञा से कपोत बढ़ बढ़ पाते हैं। छाती तक में जितना मांस था काट करके दे दिया, थोड़ा सा मांस का सर रह गया, कबूतर का पलड़ा नहीं चला। इतने में राजा शिवि की पत्नी बोली, पतिदेव अब आपके शरीर में मांस नहीं है, कहिए तो मैं अपने शरीर के मांस काट करके दे दूं। कैसी नारी थी। इतने में पुत्र ने कहा, पिताजी अब आपके शरीर में मांस नहीं है। माँ पिता मेरी राय सुन लो, मैं दोनों का बच्चा हूं, ऋण बदला हमें चुकाने दो, गर शिवि का पैदा सच्चा हूं। राजा शिवि के पुत्र ने कहा, पिताजी अब मैं अपने शरीर के मांस काट कर दे दूं। पत्नी बोली, पतिदेव आपके शरीर में मांस नहीं है, अपना शरीर के मांस काट कर दे दूं। मांस काटने के लिए तैयार, कैसी नारी थी। आज बहुत जगह तो पति कोई काम करते हैं तो पत्नी बाधक बनती है। हमारा गांव में एक आदमी, एक ठाकुर का दू गो बांह दे दल, पत्नी जे जंगनी गले हो बाबू उड़ो भोटी रगड़ी दल के, तब यहाँ राजा हरिचंद और बन लो नौवा दू गो बांह दे दल गल अढ़ाई सौ टका दल क एक नीमू हो आगे किए नहीं ठकी। विचार क्या, कैसी नारी है अभी और उस समय में कितना अंतर। कोई काम आज कल लोग करते हैं ना, कहे रुको हो तंडा घर हो बुझे दे बुझे जग मैं आठ लगाए ते पहले बुझिए लिए हूँ। चलिए सजनों, लेकिन राजा शिवि की पत्नी बोली, पतिदेव आपके शरीर में मांस नहीं। राजा शिवि ने सोचा, धन का बंटवारा हो जाए तो हो जाए, धर्म में मैं बंटवारा कभी नहीं करूंगा। उठाया, बहुत सुंदर काता उठाया कि अपने मस्तक को काट करके तराजू पर दे देंगे। जैसे काता उठाया, इंद्र भगवान ब्रह्मा जी प्रगट होकर हाथे पकड़ लिए, कहा धन्य हो मांगो वरदान। शिवि ने कहा, ऐसा परीक्षा कभी किसी से नहीं लीजिए, नहीं तो आप ही मार खा जाइए। विचार क्या, दया किसे कहते। देखिए दया जो दूसरे के हित और कल्याण के लिए जान बचाने के लिए
अपने शरीर के मांस को काट दिया। आज हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं दया करना चाहिए, दया करना चाहिए। आज खुद सत्संगी सब दया नहीं करते। एक नंबर का सत्संगी है बकरी पोसते हैं, बेचे जे कसैया का, कसैया उड़ा चुमैत है, उड़ा बिस्मिल्लाह फरमैत है। विचार कीजिए, सत्संगी हैं, रात दिन बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ की विघ्न सतावे, लेकिन पठवा के मुड़काट कटेबे कर। लाग गरीबी समस्या आ जाए, लेकिन अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख देते हैं उससे कभी भक्ति नहीं होगा। विचार क्या, इसलिए यदि गुरु से दीक्षा लिए हैं ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, बहुत रोजगार है, जीव हत्या का काम मत कीजिए। जो सिर काटे यान की आपन सिर कटाए, तुलसी दरबार में बदला कहीं न जाए। गंगाओं में तुरा कुछ नहीं बदला देते। आज बहुत लोग गंगा स्नान जाते हैं पाप दहा जाते हैं, गंगा नहला से पाप दहावे छे। मछली रात दिन गंगा जी में रह जोड़ा दू टेंगा पगड़ी छे, गंगा माय पैर भी ढेर करे छे, ओकरा देह हम छौरो लगा के सूप पर रगड़े छे मछली के, जहो बाबू केकरो भुट्टा तोड़ने लिए हो बाबू, ई रगड़न दल के बैठी बड़ खर्री खुर्री काटी लहियाम छे। जे मछली गंगा जी ने बचल के तोरा कुटुंब छे के तोरा पाप लते गंगा माय, आपका पाप न दुर्गा माँ लेंगे, न गंगा माँ लेंगे, न बजरंग बली लेंगे, न भोला बुआ लेंगे, आपका पाप आप ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में चाहिए मनुष्य को धर्म का शरण लेना चाहिए। धर्म को चार चरण है, सत दान दया पवित्रता। हर हमेशा मन पवित्र हो, वचन पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, वस्त्र पवित्र हो। कुछ माँ बहन जो है साड़ी दांत में दबा के चलती है, दिन भर साड़ी चिबेते हैं चिबेते हैं, कनपट्टी है लग भांगी दल के नहीं भांग ले चिबेल के जुठे न होले। रोटी बनवे छे बड़ो लोग ले घोघ तानते उन्ने अगले ऊपर कर के रोटी बना के तवा पर साड़ी चीवै न रे धोलके या कोदाऊ हो जुठो रोटी हम मिला के सब कन खिलाए दलके। इसलिए दांत के अंदर साड़ी कभी नहीं लेना चाहिए। सुचियाचार शिष्टाचार सदाचार का पालन हर आदमी को अपना अपना शौचालय बनाना चाहिए। बहुत आदमी नहीं बनाए, जो नहीं बनाए हैं तो बनाइए। बाहर जाते हैं एक लोटा में कल ले जाइए, ये नहीं अखे लोटा में दो तीन टाइम मिली चली दिए सेवा। सीख ले हो सुंदर ज्ञान मा सत्संग में आप हो सजना मा, सीख ले हो सुंदर ज्ञान मा सत्संग में आप हो सजना। चलिए एक जगह ये नहीं सूती गले सत्संग में दो चार माए बहन एक टाक जगह लिए एक माए जी सूती गलो कल के बाबा सूत है ले लो छो दो टा पुतहू छ नहीं काम करे छे करता करता थकी जाए छे तोरा सत्संग में पंखा लागलो जे सूत है ले लो छो कोनो सत्संग सुने ले लो छे। चलिए बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की आइए। सज्जनों सत्संग में जो सो जाए समझ जाइएगा आधसर सांप होने में कोई नहीं बचाएंगे, बनना जीव। आइए सज्जनों सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष, इसलिए कि लोग उस समय छल परपंच नहीं जानते थे।
देखिए, सत्य भी बोलते थे, दया भी जीव के ऊपर करते थे, दान भी करते थे, तन मन वचन भोजन ये चारों चीज को पवित्र रखते थे, इसलिए मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। त्रेता युग में कुछ लोग झूठ बोलने लगे तो वहां 1 सुन्ना घट गया, 1,00,000 में 1 सुन्ना घट जाए तो कितना सुन्ना बचेगा? पढ़े लिखे बाबू तो कहेंगे 10,000, 4 सुन्ना बचेगा। 1 सुन्ना घटने के बाद 90,000 खत्म। सुन्ना कंटा पड़ोसी आग बाबा जगह भी अपने बगल में बोल, ये प्रेम से भक्त भगवान आज टैबलेट है बड़ खेती होबे करते सब देखे छे ना आई, बोल ये प्रेम से भक्त भगवान की युग में कुछ लोग झूठ बोलने लगे थे, 1 सुन्ना घट गया, बच गया 4 सुन्ना। मनुष्य का आयु कितना हो गया? 10,000 वर्ष। द्वापर युग में झूठ के साथ साथ चोरी बढ़ गया, 1 सुन्ना घट गया, बच गया 3 सुन्ना। मनुष्य का आयु कितना हो गया? 1,000 वर्ष। कलयुग में लगे झूठ, बिना झूठ बोलला से बोलो या तक केकरो बरतुहारी फाइनल होलो छ, लगे झूठ बाप लड़का ओ आज तक बुझो कि मधु के पुड़िया मुंह हमने लेने छ, 12 पुड़िया रोज दाबे छ, रजनीगंधा मधु गुटका शिखर राजनिवास ए मुंह जे महके छ लग जे मराठा अगरबत्ती रह यगवा वत्या झूठ बोले छे, बोलो विचार क्या लगाए झूठ, लगाए झूठ। कभी कभी तो लोग हौ खेद बता दे छी, पलाउट अपने छे अपने छे। चलिए 1 सुन्ना घट गया, बच गया 2 सुन्ना। मनुष्य का आयु हो गया 100 वर्ष। 100 वर्ष में भी जो चाय पिएंगे रात दिन 10 वर्ष यौरदा उसी में चला जाएगा। चाय में 40 रोग पाया गया है। पहला रोग भूख मंदा, दूसरा रोग पेट में गैस, गैस टीक नोचनी दिनाए खर्रा यगजीमा। चाय के बदले में तुलसी पत्ता का काढ़ा सेवन कीजिए, बहुत लाभ बहुत फायदा। तुलसी का पत्ता दीजिए, नमक दे दीजिए, चलिए हल्का घी दे दीजिए, एक आध मरीज दे दीजिए, बाबा सिर का रोग नहीं हो तो हल्का आदि दीजिए और काढ़ा बना करके पी जाइए। कोरोना जैसे कोने कोने भागते भाई कन्ने जी हम विचार कीजिए, भागता भागता बिरौली बाजारे घूमी इस तक बस ढट्ठा लगी। चलिए बोले प्रेम से आनंद कंद भगवान की, इसलिए जीवन में चाहिए। रात में दूध में हल्दी मिलाकर सेवन कीजिए, बहुत फायदा। आइए कुछ नियम बनाइए, बासी भोजन मत खाइए, फ्रिज वाला पानी छोड़ दीजिए। फ्रिज के पानी के चलते, फ्रिज के भोजन के चलते, और जो परिश्रम करेंगे जिसके शरीर से पसीना छूटेगा उसको कभी कोरोना नहीं पकड़ेगा। रात दिन पंखा, बाप रे बाप रौदा, बाप रे बाप रौदा, पंखा में चलो
जो जितना सुख खोजेंगे उसके पीछे उतना दुख है। इसलिए मेहनत कीजिए, 4 बजे भोर में जग जाइए, सुबह का हवा भागलपुर का दावा बात बराबर। 4 बजे भोर में वही आदमी जगेंगे कौन जो रात में कम खाएंगे, जै 12 गो रोटी पहुंचाते तब 8 बजे गाड़ी चाहिए उठेबो कर दे विचार। इसलिए जीवन में चाहिए 4 बजे भोर में जग करके टहलिए, बुलिए, भजन कीजिए 4 बजे भोर में। आज थोड़ा सा लेट से सोइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने बुझे कि आई लेटो सुतलिए दिए नहीं लेटो उठवे से। कभी कभी जग प्रजन में लेट लाट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे जो है कुछ नियम बना लीजिए। अब बासी भोजन मत खाइए, बासी तेवासी सुपासे भला, नारी कुनारी से कुमारे भला, पुत्र कुपुत्र से निपुत्रे भला। जीवन में चाहिए यदि पुत्र हैं तो सुपुत्र बन जाइए, कुपुत्र मत बनिए। यही मानव जीवन की विशेषता है, सुपुत्र बनिए। सुपुत्र वही है जो माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप के बात को रखते हैं। कुपुत्र किसे कहते हैं? देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, नाग तबाह है नेता से। चलिए इसलिए सुपुत्र बनिए। चलिए हम सुना रहे थे कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की विषय, अब आइए हम सुना रहे थे एक बार त्रेता युग माही संभव गए कुंभ एक बार त्रेता युग माही संभु गए कुंभज ऋषि पा याग्वलिक मुनि जी भरद्वाज मुनि से बोले कि इसी तरह का भरम एक बार सती को भी हुआ था कि राम को पहचान नहीं सके। एक बार त्रेता युग में भोला बाबा कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और चले कहां? अगस्त मुनि के आश्रम पर। किस लिए चले? राम कथा सुनने के लिए, अकेले नहीं। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिले भोला बाबा अकेले कथा सुनने नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा।
भोला व सती को भी साथ में लेकर कथा सुनने चले, अकेला नहीं। बहुत आदमी भी अकेले कथा सुनते हैं, पत्नी को नहीं सुनाते हैं। ऐसा होता है जरा एक आदमी दीक्षा ले ले जब पत्नी ले नहीं कैसे दिलाएं धोके जय हो बातें न रखे। चलिए सज्जन, यदि पति सत्संगी है वैष्णव है, पत्नी नहीं है सत्संगी वैष्णव, तो बताइए अलग है साथ में। कबीर साहब कहते हैं सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर भिझा राजा विकट नारी से पल्ला पड़े तो काढ़ी कलेजा खाए। एक बहन जी पति कल कहे तोरा से हमरो बिहार नहीं होती है, वह बढ़िया करम जरी गेले तोरे से बिहार हो। पति कल के हमरा से बिहार भ गेलो की दिक्कत, पत्नी कल के हमें नहीं जाने लियो तो सत्संगी को सत्संगी से बिहार नहीं करती। नहीं राम लिए आठे दिनों मांस मछली खाए रही तो राखन तीन सालों से बस ऐसी मछली नहीं खेने। पति कल के मछली तछड़ी नहीं खा, चलो कुप्पा घाट सब बाबा लॉकडाउन में बैठली रही ककरे प्रोग्राम नहीं चले। कौन बाबा दीक्षा लेबो, हरिनंदन बाबा की, भागीरथ बाबा की, वेदानंद बाबा, योगानंद बाबा, चतुरानंद बाबा, व्यासानंद बाबा, सत्यानंद बाबा, धर्म स्वरूप साहब, कौन बाबा दीक्षा लेबो, शिव शिष्या बनबो, आइए चर्चा कराए घोषणा कराए ध्यान। पत्नी कल के दीक्षा नील भी हमरो मछली खा इच्छा कर। पति के जेबी में हाथ दल के 300 टका निकाली लल के बाजार गेले, मछली आनल के रात के बनाए खेल के भियान के अंगना अंगना कहल गेले दीदी ये घर हम दीदी यह बुझो केना केना रही गेली हम 3 साल से मछली नहीं खेने रही हम, काल गेली हम बाजार आनली हम मछली खेने रही गरे लेबे गरे नहीं मिले गोर्रा मछली खाम जे मुच मुच कर रहने 11 गो रोटी दाबने छौ दीदी हृदय जुड़े लो 11 रोटी। परवल के तरकारी नहीं खेलो जा रहा दीदी 40 टका किलो 15 ठीक हड्डी बैठ गेलो दीदी। वैष्णव पुरुष और वैष्णव नारी ऊट बहल की दोनों सवारी विचार किया। यदि पति सत्संगी हो पत्नी सत्संगी नहीं बने तो तब समझिए साथ में नहीं है अलग है। एक तो देव स्वरूप है एक राक्षसी स्वरूप है, इसलिए पति वैष्णव हो जाए तो पत्नी को वैष्णव होना चाहिए, पत्नी यदि वैष्णव हो जाए तो पति को वैष्णव होना चाहिए। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि भोला बाबा को देखिए अकेले कथा में नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। अगस्त मुनि का आश्रम पर पहुंचते हैं सती और भोला बाबा। अगस्त मुनि बड़े प्रेम से भोजन कराए, सुंदर आसन पर बैठाते हैं भोला बाबा और सती। अगस्त मुनि ने कहा कहिए क्या सेवा करो। भोला बाबा ने कहा हमको राम कथा सुनाइए। राम कथा राम कथा मुनि बड़ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी 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 Oh,
सुनते रघु पति गुण कथा कछु दिन तहां रही गिरिनाथा। अहत सुनते रघु पति गुण गाथा कछु दिन तहां रही गिरिनाथा। मुनि सन पीता मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन पीता मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अवसर भाजन मही भारा हरि रघुवंश भोला बाबा ने अगस्त ऋषि से कहा कि हमें राम कथा सुनाई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मान। भोला बाबा राम कथा सुन करके विभोर हो गए, सती ने कथा नहीं सुनी। श्रोता तीन प्रकार के, परमानेंट, टम्परोरी, गमछा झाड़। परमानेंट जो होते हैं वो सूरत लगा करके सुनते हैं, टम्परोरी रोडहे परसन देखते हैं, आ देखा है तंटा सुनबाई जे भाई। गमछा झाड़ यही ले नहीं दिल के कोई खैनी सीधे घरों ही न चली दिल चलिए। सज्जनों सती ने कथा नहीं सुनी। भोला बाबा ने बार बार कहा देवी राम कथा सुनो, राम कथा सुनो। सती कभी कभी नींद में चली जाती थी, कथा नहीं सुनी। बहुत लोग कथा सुनने के ख्याल में नहीं है, लाजे बैठ लो जी केना आगू चलो विचार किया। बोले प्रेम से भक्त भगवान की। सज्जनों कल परसों गए थे हम कथा में, एक आदमी नहीं बैठा, कलिए सिद्धार्थ बैठवन बढ़िया से की लौं कलिए बाबा न भय सट काम मके बेच ले लियो वह चिंता हम छियो। आइए बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की। सती ने कथा नहीं सुनी। भोला बाबा कथा तो सुन, Thank you.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम ये हमारे विपिन कुमार नवटोलिया तिंटिंगा से 11 रुपये दान सूप में दिए हैं और हमारे सुधांशु झा तिंटिंगा उन्होंने बड़े उदार हृदय से 21 रुपये दान सूप में दिए हैं।